तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जानेंगे आप अपने लैपटॉप में कैसे यहाँ पे मंत्रा डिवाइस का सर्विस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है पहले से बट वो मंत्रा डिवाइस आपके लैपटॉप में नहीं काम कर रहा है या फिर किसी एक ऐप पे चल रहा होगा एक वेब पोर्टल पर दूसरे वेब पोर्टल पे नहीं चल रहा है, अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके लैपटॉप में 100% गारंटी के साथ मंत्रा डिवाइस काम करेगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगा मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा काफी इजी में, विदाउट टेक्निकल में हम लोग नहीं जाएंगे। इस प्रकार से यूट्यूब पे कोई भी सिंपल वीडियो अवेलेबल नहीं है जिसकी ये वीडियो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे जाने के बाद आपके लैपटॉप में यहाँ पे आपके लैपटॉप में जितना भी प्रकार का ड्राइवर है पहले से अगर आपने मंत्रा वगैरह डाउनलोड किया है तो उसको क्या करना है, डिलीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप से मंत्रा डिवाइस को डिसकनेक्ट कर लेना है, हटा लेना है। ठीक है, उसको लगाना नहीं है, ये प्रोसेस जो मैं अभी बता रहा हूँ तो वहां पे डिवाइस को लगाना नहीं है, सबसे पहले डिवाइस को डिसकनेक्ट कर लेना है। डिसकनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, विंडोज 7, 8, 9, 10, 11 जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक जगह काम करेगा। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है, कुछ एप्स आपको डिलीट करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम दिखेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ पे दिख जाएगा, इसमें से आपको मंत्रा वाला प्रोग्राम डिलीट करना है। अगर आपने लैपटॉप में पहले से डाउनलोड किया है तो देख लीजिएगा, मंत्रा वाला प्रोग्राम जो भी है उसको डिलीट करना है। तो जिसके यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे, दो और ये तीन, तीन यहाँ पे मंत्रा से रिलेटेड है ऊपर यहाँ पे, और बस, और नीचे जाके देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है, नीचे नहीं है। तो यहाँ पे टोटल मिला के तीन यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड यहाँ पे किया गया है जो कि मंत्रा से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर है आपने, एक दो तीन जो भी है उसको यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, मतलब अनइंस्टॉल कर लेना है, सबसे पहला काम ये होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, अगर आपने यहाँ पे कोई भी प्रकार का डाउनलोड नहीं किया तो फिर ये दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत क्या होता है, जैसे कि अगर आप स्पाइस मनी यूज करते हैं तो अगर आपने सॉफ्टवेयर स्पाइस मनी से डाउनलोड किया है या फिर स्पाइस मनी के थ्रू डाउनलोड करवाया है तो क्या होता है कि वो केवल स्पाइस मनी में ही काम करता है, दूसरी जगह नहीं काम करता है, क्योंकि वो लोग उस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ सेटिंग कर देते हैं, वो अपने वेबसाइट डाउनलोड करवाते हैं तो वहां पे वैसा कुछ कोडिंग रहता है जिसके कारण वो केवल उसी के पोर्टल में काम करता है, दूसरे पोर्टल में नहीं काम करता। ठीक है, बट मैं प्रोसेस करके दिखाऊंगा जहां पे क्या होगा कि आपको सीएससी में भी काम करेगा, स्पाइस पे भी, पीएनएनवाई पे भी, गो पेमेंट, फिनो, आरएनएफआई, रेपी पे, जितने भी मार्केट में कंपनी है और जितना भी किसान वाला जो होता है ऑनलाइन वगैरह सभी में काम करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पे सभी सॉफ्टवेयर को हम भी डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर को इस प्रकार से कुछ रिफ्रेश वगैरह कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे कर लीजिए, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। उसके बाद हमने क्या बताया, ये सब करने से पहले डिवाइस को डिस्कनेक्ट रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्रोम में जाना है। ठीक है, क्रोम में जाने के बाद आपको क्या सर्च करना है मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है मंत्रा आरटी सर्विस, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगा, जरूरी नहीं है पहला वेबसाइट आप में भी आए, हो सकता है दूसरे तीसरे नंबर पे भी आए। ठीक है, तो ये देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड डॉट मंत्रा ऐसे कुछ करके है, तो इस पे क्लिक करना है सिंपली, वेबसाइट आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो भाई आपको यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। ठीक है, कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे टोटल टोटल यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल सॉफ्टवेयर आ चुका है, यहाँ पे आरटी सर्विस भी है, आधार कार्ड के लिए भी है, सारा कुछ है। ठीक है, कुछ ड्राइवर ऐसे ही है कि आप दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पे इस डिवाइस के लिए बता रहा हूँ, देख सकते हैं मॉडल कौन सा, ये MFS 100 मॉडल है मंत्रा का, MFS 100 वाला मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद कौन कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है पूरा देखिए। यहाँ पे सबसे आने के बाद सबसे पहला सॉफ्टवेयर को क्या डाउनलोड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज डाउनलोड MFS 100 आरटी सर्विस बोला जा रहा है डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है बीच में यहाँ पे न्यू बगल में लिखा हुआ है 1.04। ठीक है, मंत्रा आरटी सर्विस, इस पे क्लिक करके
आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके जिसे ही करेंगे ये यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, पूरे डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू हो गया। मैं एक एक करके पूरा बताऊंगा, तो वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे लोग गलती कर रहे हैं, पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ये डाउनलोड यहाँ पे होने देते हैं। तो देखिए ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ से काट देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे आ चुका है। ठीक है, ओके, अभी इसका आप काम कर लेते हैं, जो भी काम है इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल जब करेंगे तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे कीजिए, बेसिक सा काम करेगा 100%। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको इस प्रकार से यहाँ पे एस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इंस्टॉल इसको कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है और इस प्रकार से काफी आसानी से यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा। इसको फिनिश कर देना है। ओके, अब इंस्टॉल यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये वाला हमने डाउनलोड कर लिया। अभी आपको क्या करना है, इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे विंडोज ड्राइवर MFS 100 इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करके आपको ये भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये क्या वर्जन देख लो यहाँ पे 9.2.00 यहाँ पे कर गया है, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये एक SMB का सॉफ्टवेयर है, इसको भी यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कौन सा करना मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज डाउनलोड और MFS 100 साइलेंट सर्विस, इसको भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। बेसिकली आपको तीन सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड करना होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, और इस स्टेप में अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर दे फिर आप में वो डिवाइस नहीं काम करेगा, और यहाँ पे एक भी अगर बात मिस्टेक करेंगे नहीं काम करेगा, क्योंकि हो सकता है कई लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हो, उनका डिवाइस ऑलरेडी डिवाइस कनेक्टेड होगा कंप्यूटर से, फिर वो नहीं काम करेगा। तो इसका वर्जन आप देख सकते हैं 9.0.3.8। ठीक है, इसको भी यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये डाउनलोड किया था, ये वाला इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद लास्ट में इसको इंस्टॉल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप काम करना है, इसमें धरपड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लोग पूरा टेस्ट भी करके दिखाएंगे, धरपड़ी की कोई बात यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं साफ फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ले जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देखो 9.2.00 जो हमने सेकेंड टाइम में डाउनलोड किया था वो है। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने डाउनलोड करके आपको सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करके सिखा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से फॉलो करना है सिस्टम, तब आपको यहाँ पे सिस्टम जो है खराब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल होगा आपका सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सब कुछ डाउनलोड है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एडिशनल फाइल्स कुछ डाउनलोड होगा, तो मे बी आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगे। तो यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं एडिशनल फाइल डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू हो गया, थोड़ा मेरा नेट स्लो है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो नेट है दोस्तों। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अभी वोडाफोन का कनेक्शन, थोड़ा सा डाउनलोड स्लो है, तो मैं यहाँ पे स्किप करूंगा वीडियो को थोड़ा सा, बट प्रोसेस जैसे हमने बताया सेम टू सेम है। जब ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, इस वाले ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मेरे को यहाँ पे काम करना है। ओके, सबसे पहले हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, ओके, जो 5.6 MB का है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि 21 MB का है, और लास्ट में मैं इस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तीनों सब कुछ देखने में सेम टू सेम है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है, भी लोग गलती कर देते हैं जिसके बाद उनका डिवाइस नहीं काम करता है।
चलो ठीक है, देख लेते हैं कहां तक पहुंचा। तो डाउनलोडिंग हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होने देते हैं। और दोस्तों बता दूं, अगर आप लोग यहां पे बैंकिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, CSP खोलना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया डिटेल्स पे संपर्क करके वहां पे फिनो का CSP ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक का CSP ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपको अकाउंट ओपनिंग, AEPS बैंकिंग, सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा आप यहां पे गो पेमेंट का CSP ले सकते हैं, वहां पर भी सारा सर्विस मिलता है। इसके अलावा आप लोग यहां पे RNFI रैली पे का ले सकते हैं, ये सारे कंपनी का आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगा। और यहाँ पे मैपिंग वगैरह नहीं होता है और कस्टमर सपोर्ट भी बढ़िया है, और इनका सर्विस जो है मतलब वो भी काफी अच्छे क्वालिटी का है, और पोर्टल वगैरह सही काम करता है, ठीक है। और इन सारे कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर लेके भी काम कर सकते हैं, और बाकी का हम लोग नहीं बता सकते, उनका कुछ मार्केट में गारंटी नहीं है। बाकी आप लोग खुद रिसर्च कीजिए, एनालिटिक कीजिए, उसके बाद ही किसी काम को यहाँ पे कीजिए। किसी के कहने से नहीं होता है, किसी के बोलने से नहीं होता है, सबसे पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ओके, डाउनलोडिंग हो रहा है थोड़ा सा फास्ट, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है मैं जानता हूँ, उसके लिए माफी भी चाहता हूँ, लेकिन भाई क्या करें, वीडियो लंबा हो रहा है तो अब जो लंबा प्रोसेस है उसको मैं छोटे में नहीं बता सकता। फिर वही होगा कि आप बोलेंगे भाई बताया और काम नहीं किया, फिर क्या मतलब, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग बने रहिए, और यहाँ पे बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको स्किप थोड़ा नहीं कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आप चीज़ें देखें कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर मैं इसको कट करके बनाऊंगा तो फिर वहाँ पे दिक्कतें होगा। और लास्ट में इसको समराइज भी मैं कर दूंगा, काफी आसानी से आप समझ जाइएगा, कुछ दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, काफी इजीली मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा, ठीक है। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, आपके पास जो भी सिस्टम है वहां पे काम करेगा दोस्तों। कई लोगों का यही दिक्कत होता है कि भाई एक पोर्टल में काम कर रहा है, दूसरे पोर्टल में नहीं काम कर रहा है, तो क्या करें। तो भाई देख लो, आप ये प्रोसेस फॉलो करो, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल हो गया है और ऑटोमेटिक इस प्रकार से सिस्टम खुल गया, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली यहाँ पे एग्जिट कर देना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे डाउनलोड जो हुआ है मतलब इंस्टॉल जो है इसको फिनिश कर देना, ठीक है। अब इसको फिनिश करने के बाद हमने फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सेकेंड भी इंस्टॉल किया, अब थर्ड वाला का नंबर है, इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मतलब ये वाला 9.0.3.8। इसको क्लिक करके यहाँ पे हम लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, मतलब अब थर्ड नंबर पे इसको हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मार्ट एसिंग कांट बी रीच्ड राइट नाउ, तो कोई बात नहीं, इसको सिंपली रन करें, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सब काम आपका हो जाएगा। उसके बाद यस पे क्लिक करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, आपका काम होगा। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, और ये सॉफ्टवेयर आपका काफी आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि टोटल की टोटल सभी का सभी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपने जो भी काम किया हुआ है सबको यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना है, सबको डिस्कनेक्ट करना है, ऑल को डिस्कनेक्ट यहाँ से कर दीजिए, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूँ। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए, और ये सब डाउनलोड जो है आप चाहे तो इसे भी यहाँ पे इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट करूंगा, बाद में भी रहने देता हूँ। अब आपको क्या करना है, डिवाइस को अपने लैपटॉप से यहाँ पे कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, इस डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। आप कनेक्ट करके थोड़ा सा इंतजार करना है, तो आपको यहाँ पे इधर दिखेगा कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, डिवाइस हैज बीन सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू आधार रजिस्टर्ड डिवाइस, ये आधार रजिस्टर्ड डिवाइस हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हो चुका है, ठीक है। और वहां पे ये भी लिखा हुआ था, डिवाइस को हटाइए, डिस्कनेक्ट कीजिए, फिर से लगाइए। अब वो क्या करना है, अब आपको डिवाइस को हटाना है इस प्रकार से। सॉरी दोस्तों, डिवाइस गिर गया भाई, टूट ना जाए, क्या हो भाई, बच गया, चलो बच गया, सॉरी, इस प्रकार से लगा नीचे गिर गया, तो यहाँ पे आ गया डिवाइस रिमूव्ड। ओके, अभी हम लोग फिर से इस डिवाइस को लगाएंगे, ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, फ्रेम वर्क इज रेडी फॉर यूज। जैसे ही आपको मैसेज आता है फ्रेम वर्क इज रेडी टू यूज, अगर ये आपको मैसेज आ गया, इसका मतलब आपका डिवाइस 100% गारंटी है कि वो हर एक पोर्टल पे काम करेगा।
यही मैसेज लोगों को शो नहीं होता है, वहां पे रेडी टू यूज नहीं आता है, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस करना है, काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डिवाइस को डिस्कनेक्ट करूंगा और आप चाहे तो ये वाला यहाँ पे जितना भी डाउनलोड आपने किया इसको सिंपली यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल नहीं करना है, वहां पे प्रोग्राम में जाके आप यहाँ से सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं। और मैं यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, काम हो गया अपना भाई, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अब मैं डिवाइस फिर से लगा कर आपको दिखा देता हूँ। डिवाइस लगाएंगे और यहाँ पे डिवाइस डिटेक्टेड, डिवाइस इज रेडी फॉर यूज। काफी आसानी से हमने आपको बताया कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करना, इसी प्रकार से आप लोग कीजिए और आपके लैपटॉप पे काम करेगा, ठीक है। अगर नहीं काम करता है तो फिर आप कमेंट करके बताइए, फिर उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अगर आप में कुछ अलग प्रकार का इशू आता है, एरर आता है, तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग उस पर जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके एंड बाय दोस्तों।